अस्सलाम वालेकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल। अब आप सोचेंगे दाल चावल की वीडियो तो हमारी कई अपलोड है, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं दाल और चावल एक साथ कुकर में। तो उसके लिए हमारे पास है ये वाइट राइस, जिसको हमने भिगो के छोड़ दिया था। हम इसको इसमें डाल लेते हैं, इस भिगोने के अंदर। ये हमारे एक गिलास और क्वार्टर गिलास है। हम अक्सर जब चावल बनाते हैं चावल से डबल पानी डालते हैं, लेकिन इस वाले मेथड में हम बिल्कुल चावल के बराबर पानी डालेंगे। तो हमने चावल इसमें डाल लिए हैं, इसमें नापतोल ज़रूरी है। तो ये हमने लिया है एक गिलास और ये क्वार्टर गिलास, बस इतना हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देते हैं एक हरी इलायची है, दो लौंग है। आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये नहीं डालें लौंग इलायची। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टीस्पून के करीब डाल दें। और हम इसको हिला के और इसके ऊपर जो हम प्लेट ढकेंगे वो आपको दिखा देते हैं, इस तरीके की होनी चाहिए। तो हम इसे साइड रख देते हैं। ये हम दाल पकाएंगे, दाल का मसाला फटाफट तैयार कर लेते हैं। इसमें हम फटाफट से मसाला निकाल लेते हैं जिस कुकर में बनाएंगे, वो भी हमने गर्म होने रख दिया है। हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून ही गार्लिक पेस्ट ले लेते हैं, बल्कि गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा कम ही लिया है हमने, क्वार्टर टी स्पून के करीब लिया है। क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर ले लेते हैं, 2 पिंच कह सकते हैं या फिर 3 पिंच के करीब हम हल्दी ले लेते हैं, थोड़ी सी दाल है हमारी। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लेते हैं। मसूर की दाल हमने हाथों हाथ ली है, चने की दाल को हमने आधे घंटे से भिगो के छोड़ दिया था और हमने इसको धो के अभी इसको इसी पानी के अंदर छोड़ दिया है। तो बस इसमें ज़रा सा पानी डालते हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे हम ये। 2 से 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। मसाले को थोड़ा सा भूनते हैं, मसाला भून चुका है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। कच्चे मसाले डाल के भी दाल बना सकते हैं। ये हम दाल डाल देते हैं, सब डालते हैं पोंछ के अच्छे से। तूर की और चने की दाल ये वाले गिलास भर के थी, तो हम ये 3 गिलास डाल देंगे। वन टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आप जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। दाल में हम अक्सर 4 से 5 गुना तक पानी डालते हैं, लेकिन आज हम अलग मेथड से बना रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर 3 गिलास यानी कि दाल से 3 गुना पानी डाला है। अब हम ये भिगोना इसके अंदर रख देंगे और इसको पूरी दाल को जो हमें कुक करना है स्लो फ्लेम पर करना है, इसलिए हमने इसमें डाला है पानी कम। ये जो हमारे जो भी बर्तन आप इसके अंदर रख रहे हैं, जो प्लेट उसके ऊपर ढके उसके किनारे, उस वाले बर्तन जो चावल का है उससे थोड़े से बाहर आने चाहिए, आधा इंच के करीब। सो आ गए हैं हम, इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं। 30 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं स्लो फ्लेम पर, दिखाते हैं फिर आपको। इसमें हमने इसको स्लो फ्लेम पर रखा था, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही सीटी आई है और इसको पूरी 30 से 32 मिनट हो गई है पकते हुए, 35 मिनट के करीब हो गए हैं। अभी इसको इसकी स्टीम में रहने देते हैं और फिर खोलते हैं इसको। इसकी स्टीम खत्म हो गई है, अब हम इसको खोल लेते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं, एक छोटा सा टमाटर लिया है वो डाल देते हैं। आप इस वक्त टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, लेकिन मैं अक्सर डालती हूँ, बहुत ही अच्छी दाल तैयार होती है। और इसमें डाल देते हैं एक मुट्ठी हरा धनिया, 2 पिंच आमचूर पाउडर, और ये देखें कितनी लाजवाब दाल तैयार हुई है। इसको मिक्स कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट दाल हमारी तैयार हुई है। आपको दाल ज़्यादा गाढ़ी मिलती है तो उबला पानी डाल सकते हैं, और ज़्यादा पानी मिला है तो दाल को खोलकर भी पका सकते हैं। 2 टीस्पून देसी घी डाल दिया है हमने दाल में, आप चाहें तो तड़का लगा सकते हैं इस वक्त। 1 पिंच ऊपर से गरम मसाला डाल देते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं चावल। देखें चावल कितने परफेक्ट हमारे तैयार हुए हैं, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। कोई सा भी राइस बना सकते हैं आप इस तरीके से, सैला चावल भी बन जाएंगे आपके, और ये वाइट राइस ये तो बहुत ही नाजुक होता है बनाने में, ये भी इतना अच्छे से इसमें हुआ है तैयार, बहुत ही लाजवाब बने हैं हमारे चावल। ये देखें एक ही कुकर में दाल और चावल एक साथ बनाए, बशर्ते के स्लो फ्लेम पर बनाना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनेंगे, जितने हमने बनाए हैं इतना ही बनाना है। कुकर भी आपको
बड़ा लेना है। जरूर बनाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे क्विक से दाल चावल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।